ताजमहल, टाटा टी, रेड लेबल, टाटा टी प्रीमियम, ये वो नाम है जो पैकेज्ड चाय के कवर के बाहर आपने देखे होंगे, यानी चाय बनाने वाली कंपनियों के नाम। ये तो मौजूदा वक्त की कहानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पैकेज्ड चाय की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? भारत में ये कंपनी कब लॉन्च हुई थी? अगर नहीं जानते तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, यहाँ आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भारत में पैकेज्ड चाय की शुरुआत करने वाली पहली भारतीय कंपनी का नाम है बाग बकरी चाय। बाग बकरी चाय ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई का 49 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने साल 1995 में कंपनी ज्वाइन की थी। उस वक्त कंपनी का कुल कारोबार 100 करोड़ रुपए से भी कम था, लेकिन आज सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए के पार है। इस कंपनी की चाय आज दुनिया के 60 देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। ये तो हुई अभी की कहानी, लेकिन शुरुआत कैसे हुई ये भी जान लेते हैं। बाग बकरी चाय की शुरुआत गुजरात के नरेंद्र दास देसाई ने की थी। देसाई जब साल 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो वो अपने साथ महात्मा गांधी का एक सिफारिश सर्टिफिकेट लेकर आए थे। उसमें महात्मा गांधी ने लिखा था, मैं दक्षिण अफ्रीका में श्री नरेंद्र दास देसाई को जानता था, जहां वो कई सालों तक एक सफल चाय बगान के मालिक थे। नरेंद्र दास ने साल 1919 में अहमदाबाद में गुजरात चाय डिपो की स्थापना की। इसके बाद 2 से 3 साल तक चाय का मार्केट बनाया। जल्द ही वो गुजरात के सबसे बड़े चाय निर्माता बन गए। इसके बाद साल 1934 में उन्होंने बाग बकरी चाय ब्रांड लॉन्च किया। गुजरात चाय डिपो ने साल 1980 तक खुली चाय बेचना जारी रखा, लेकिन इसके बाद मार्केट में बदलाव आने लगा। विदेशी ब्रांड भी इस फील्ड में कदम रखने लगे। बाग बकरी कंपनी ने भी बदलाव का फैसला किया। 22 सितंबर 1980 को गुजरात टी प्रोसेसर एंड पैकर्स लिमिटेड की नींव रखी गई। इसके बाद कंपनी ने पैकेज्ड चाय बेचना शुरू किया। बाग बकरी चाय पैकेज्ड चाय बेचने वाली भारत की पहली कंपनी है। आज इसका कारोबार यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 24 राज्यों तक फैल चुका है। साथ ही विदेशों में भी इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है। इसके लोगों की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। बाग बकरी ब्रांड के लोगों में आपको बाघ और बकरी दोनों एक साथ चाय पीते हुए नजर आएंगे, जो सामाजिक समानता का संदेश देता है। इसका मकसद ये बताना है कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग एक साथ चाय पी सकते हैं। इस लोगो के जरिए उच्च और नीच के भेद को मिटाने का संदेश दिया गया है। दुनिया के 60 देशों में ये कंपनी चाय एक्सपोर्ट करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।